मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने नीट मामले पर नोटिस जारी किया है। नीट परीक्षा में दिए गए ग्रेस मार्क्स रद्द किए गए। 1563 छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नीट मामले पर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। नीट मामले पर अब 8 जुलाई को होगी सुनवाई। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जहां नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। दरअसल एक याचिका लगाई गई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट में नीट मामले को लेकर जो काउंसलिंग किया जाना है इस पर रोक लगाने की मांग की गई थी। और जरूर करेंगे संवाददाता सुशील पांडे जुड़ गए। सुशील, नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है, जो याचिका लगाई गई थी कि जो काउंसलिंग होने वाली उस पर रोक लगा दी जाए, सुप्रीम कोर्ट ने इसे इनकार कर दिया है। बिल्कुल, देखिए साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पूरे मामले में काउंसलिंग पर रोक लगाने से मना किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो बड़ा फैसला है ग्रेस मार्क के मामले में, उस बड़े फैसले में ये कहा गया है कि जो 1563 उम्मीदवार जो नीट में पहले ही वो अप्लाई हुए थे और जिनको फिलहाल ग्रेस मार्क दिया गया था, उनके स्कोर कार्ड को रद्द किया जाएगा और दोबारा परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। जो लोग इस परीक्षा में नहीं शामिल होंगे उन्हें बिना ग्रेस मार्क के ही परीक्षा देनी होगी। ये बड़ा अपडेट है अपने आप में। सुप्रीम कोर्ट में एनटीए ने कहा है कि 1563 छात्रों का जिन्हें ग्रेस मार्क मिला है उनकी परीक्षा 23 जून को दोबारा कराई जाएगी। 23 जून को जब इस मामले में परीक्षा कराई जाएगी उसी के बाद यह माना जा सकता है कि काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ेगी। 30 जून से पहले रिजल्ट को डिक्लेयर करना होगा। ये एनटीए की तरफ से कोर्ट में जानकारी दी गई है कि ग्रेस मार्क में बच्चों के डर को दूर करने के लिए एनटीए ने एक बड़ा फैसला लिया है और इस पूरे फैसले को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बताया है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत जरूर है, क्योंकि ग्रेस मार्क को लेकर एक बड़ा विवाद था जिसको लेकर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे सामने जो बड़ा मुद्दा है वो ग्रेस मार्क का मुद्दा है। और इसीलिए एनटीए की तरफ से कहा गया है कि जिन 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क मिला है उनकी परीक्षा दोबारा कराई जाएगी और 23 जून को इस परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा। जी बिल्कुल सुशील, ग्रेस मार्क्स रद्द किए गए, जहां नीट परीक्षा में दिए गए ग्रेस मार्क्स को रद्द किया गया। 1563 ये छात्रों की संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है जो याचिका लगाई गई थी उसमें। अब अगली सुनवाई कब होनी है और क्या क्या वो मुद्दे, क्या क्या वो बिंदु स्पष्ट करिएगा जो आज फैसला हुआ है, क्या क्या वो बिंदु रखे गए थे सुनवाई के दौरान? देखिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष 3 बातें रखी गई। पहली ये कि पेपर लीक के मामले पर सुप्रीम कोर्ट जांच करे। दूसरा कि ग्रेस मार्क जिस तरह से बच्चों को दिया गया है वो फिलहाल गलत तरीके से दिया गया है। तीसरा कि काउंसलिंग पर रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले मुद्दा ग्रेस मार्क का है। इस पर एनटीए की तरफ से जवाब दिया गया कि जो 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क दिया गया है उनके ग्रेस मार्क के स्कोर कार्ड को रद्द किया जाएगा और दोबारा परीक्षा कराई जाएगी, जो परीक्षा 23 जून को होगी। 30 जून को इस पूरे मामले में फैसला आएगा। और वही बात की गई काउंसलिंग पर रोक लगाने की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर किसी तरीके से अभी रोक लगाने से तत्काल मना किया है। और अभी इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही है। जिन 2 याचिकाओं को पहले सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया था और इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन की मांग की गई थी, उस याचिका पर नोटिस जारी कर दिया गया है और उसकी सुनवाई की तारीख 8 जुलाई कर दी गई है। जी बिल्कुल, और यानी कि 8 जुलाई को एक बार फिर से सुनवाई होनी है। और ये बहुत बड़ा मामला रहा है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो किस्मत है वो भी कहीं ना कहीं दांव पर लग गई थी। ग्रेस मार्क से बहुत बड़ा मुद्दा हो गया था सुशील। बिल्कुल, ग्रेस मार्क बहुत बड़ा मुद्दा हो गया था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एंटरटेन किया और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बड़ा आदेश दिया है, क्योंकि इस पूरे मामले में अभी सुनवाई चल रही है। तो देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे और क्या आदेश देता है। शुक्रिया आपका सुशील जानकारी के लिए। तो देखना यही है कि आखिरकार अब 8 जुलाई को सुनवाई में क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाता है। सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला नीट मामले को लेकर, जो याचिका लगाई गई थी, पिछली 2 याचिकाओं को लेकर सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। दरअसल जो स्टूडेंट्स, उन्होंने काउंसलिंग पर रोक लगाए जाने के लिए याचिका लगाई थी लेकिन इनकार कर दिया गया है। नीट एक मामले में नोटिस जारी किया गया है कि जिन परीक्षार्थियों को ग्रेस मार्क्स जिनके रद्द किए गए हैं दोबारा से उनको परीक्षा देनी होगी। 1563 छात्रों की कुल संख्या है। कहीं ना कहीं इसमें छात्रों को एक बार फिर से तैयारी करनी होगी, फिर से परेशानी उठानी होगी। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने नीट मामले पर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है और नीट मामले पर अब 8 जुलाई को अगली सुनवाई होने वाली है।
तो देखिए 1563 कुल छात्र हैं, दोबारा इनको परीक्षा देनी होगी और दोबारा परीक्षा देने के बाद काउंसलिंग होगी। दरअसल इन छात्रों ग्रेस मार्क्स रद्द किए जाने को लेकर ये पूरा मामला गरमाया होता और इसके चलते जगह जगह छात्रों ने प्रदर्शन भी किया था, कई जगह तो कुछ झड़प की भी खबरें आई थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जो काउंसलिंग होनी थी वो काउंसलिंग होगी, उस पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। और जो ग्रेस मार्क्स रद्द किए गए हैं उन स्टूडेंट्स को जिनकी 1563 कुल संख्या है, उन छात्रों को एक बार फिर से एग्जाम देना होगा। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि नीट मामले पर अब 8 जुलाई को अगली सुनवाई होगी और अगली सुनवाई के दौरान ही स्पष्ट करेगा सुप्रीम कोर्ट कि आगे क्या कुछ करना है। काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई जाएगी, काउंसलिंग जारी रहेगी, जिस तरीके से जो तय समय सीमा है उस पर काउंसलिंग होगी। और ये छात्रों का साफ कहना था कि जो उनको ग्रेस मार्क्स मिले हैं उन्हें रद्द कर दिया गया है और अब काउंसलिंग पर रोक लगा दी जाए ताकि वो भी उस काउंसलिंग में शामिल हो पाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि काउंसलिंग होगी और जो ग्रेस मार्क्स रद्द किए गए हैं उन स्टूडेंट्स को दोबारा परीक्षा देनी होगी और नीट मामले पर अब 8 जुलाई को अगली सुनवाई होनी है। तो ये देखिए कुछ अलग अलग तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जब जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया था ग्रेस मार्क्स रद्द किए जाने को लेकर। और ये जो मुद्दा था काफी गरमाया होता है, इनका साफ ये कहना था कि इनके जो ग्रेस मार्क्स रद्द किए गए हैं कहीं ना कहीं इन्होंने काफी मेहनत की है और अब आगे अगर इन्हें रद्द किया जाता है तो इस बार जो काउंसलिंग होगी उसमें भी शामिल नहीं हो पाएंगे। और ये भी एक कारण है कि इन्होंने काउंसलिंग पर रोक लगाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, एक नहीं बल्कि 2 याचिकाएं लगाई गई थी, जिस पर आप सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि काउंसलिंग पर रोक नहीं होगी और जो 1563 छात्र हैं उनको दोबारा परीक्षा देनी होगी जिनके ग्रेस मार्क्स रद्द किए गए हैं। और नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने ये एक बड़ा फैसला सुनाया है, अगली जो सुनवाई है वो 8 जुलाई को होनी है नीट मामले को लेकर। और नीट मामले में अगली सुनवाई 8 जुलाई को, अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या कदम उठाता है, जो स्टूडेंट्स दोबारा परीक्षा देंगे उनके लिए क्या कुछ नई गाइडलाइंस होंगी या काउंसलिंग को लेकर समय सीमा बढ़ाई जाएगी, ये भी देखना होगा। तो कहा जा रहा है कि 23 जून को दोबारा से परीक्षा होगी, 1563 कुल छात्रों की संख्या है जिन्हें दोबारा से परीक्षा देनी है और सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाए जाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। तो ये देखिए ये जो संख्या है काफ़ी ज़्यादा है, 1563 स्टूडेंट्स हैं और जब काउंसलिंग पर रोक लगाए जाने को लेकर याचिका लगाई गई थी इस दौरान काफ़ी हंगामे के आसार भी बने थे, कई जो शैक्षणिक संस्थान ने चौक चलाए वहाँ पर स्टूडेंट्स ने विरोध प्रदर्शन किया था और उनका ये कहना था कि काउंसलिंग पर रोक लगाई जाए ताकि वो भी शामिल हो सके और उस पर दोबारा जांच की बात कही गई थी न्यायालय को, क्योंकि 23 लाख से ज्यादा छात्रों के यह भविष्य का मामला है और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को इन सारे बिंदुओं पर सिलसिलेवार तरीके से सर्वोच्च न्यायालय को संतुष्ट करना होगा। जी तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय को संतुष्ट करना होगा इन तमाम स्टूडेंट्स को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि इनको दोबारा से एग्जाम देना होगा और उस एग्जाम के बाद जो भी परिणाम आएंगे जो अंक आएंगे उसी के आधार पर आगे की प्रक्रिया होगी। जो ये नीट का एग्जाम निकाल लेते हैं सही से बात है कि उनकी काउंसलिंग होगी और जो नहीं निकाल पाते हैं जी आगे कि 12 जून को इस मामले में एक कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी ने अपना काम शुरू करना शुरू कर दिया और उसी काम करने के शुरू के क्रम में 23 जून को 1563 छात्रों की जो परीक्षा है उनको उनकी पुनर्परीक्षा होगी और उनका पैमाना ये है कि उनको ग्रेस मार्क दिए गए थे जिसको कि अब इस गड़बड़ी के सामने आने के बाद NTA सही नहीं मान रहा है, जिसके बाद अब 23 जून को इन 1563 छात्रों की दोबारा परीक्षा होगी। पहली चीज। दूसरी चीज,
अब वह साथ साथ अपनी यह जांच कर रहा है कि आखिरकार इतने जो सेंटर्स हैं, जैसे हरियाणा का सेंटर है, अलग सेंटर है, वहां गड़बड़ी हुई कैसे, कौन लोग जिम्मेदार है, एक विस्तृत रिपोर्ट, विस्तृत जांच कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का कह रहा था आप अपनी ओर से इस मामले में जांच करिए, लेकिन हमें यह जवाब चाहिए आखिरकार गड़बड़ी हुई कैसे, क्योंकि यह पूरे देश की एक सर्वोच्च टेस्टिंग एजेंसी है और एक विश्व स्तरीय अपने आप को दावा करती है कि उसके मानक हैं जिनमें छात्र आते हैं, अपीयर करते हैं और ये दावा करते हैं भारतीय सिस्टम के हिसाब से उनको एक समान मौका मिलता है, लेकिन अगर इसमें गड़बड़ी होती है तो इन छात्रों का भविष्य क्या होगा, इस पर एनटीए को जवाब देना होगा। बिल्कुल, और देखिए आप कहीं ना कहीं ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिरकार जांच में गड़बड़ी हुई कैसे, जो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उन छात्रों का खास तौर पर सवाल था कि जो जांच की गई है उसमें गड़बड़ी की गई और उसके चलते जो उनके नंबर्स हैं वो सही नहीं आए। 12 जून को जो कमेटी है उसका गठन किया था और इसी गड़बड़ी के आधार पर, इसी विसंगति के आधार पर जो 1563 छात्र हैं उनका पुनर्मूल्यांकन होगा, उनका रीटेस्ट होगा, उनकी परीक्षा को रद्द किया गया है। लेकिन अब इसमें भी आने वाले दिनों में बड़ा विवाद उत्पन्न होने की संभावना है, क्योंकि जो छात्र जो अपीयर हुए थे वह इस तादाद को बहुत कम मान रहे हैं, वह इस पैमाने को बेहद सूक्ष्म मान रहे हैं। उनका कहना है कि यह पैमाना और ज्यादा बड़ा होना चाहिए, और ज्यादा जो पॉइंट है ग्रेस मार्क ही नहीं, अलग अलग पैमानों को इंक्लूड किया जाना चाहिए जिससे छात्रों की जो संख्या है और ज्यादा बढ़ जाए। बहरहाल किस तरीके से एनटीए इन सारी चीजों को देखना है ये आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना तय है कि अदालत, सर्वोच्च न्यायालय इस पूरी गड़बड़ी को लेकर बेहद संगीन है और 8 जुलाई को हर बिंदु पर एनटीए को जवाब देना होगा। तो देखिए 8 जुलाई को एक बार फिर से जवाब देना होगा, जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ी संस्था कहलाती है और ये जो जांच में गड़बड़ी पाई गई है इसको लेकर कहीं ना कहीं जो विश्वास है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सुनवाई में, अभी तक की सुनवाई में एनटीए के जवाब के मुताबिक यह साफ हुआ है एनटीए की नजरों में जिन छात्रों ने 1563 ऐसे छात्र हैं जिनको ग्रेस मार्क मिला है, 8 की सुनवाई तक ये वास्तविक स्थिति। अब जैसे जैसे समय आगे आएगा एनटीए अपनी वो पूरी मामले की वो तफ्तीश करेगा और अदालत के समक्ष अपने जवाब प्रस्तुत करेगा, लेकिन 23 जून को 1563 छात्र हम इसको मान सकते हैं। जी बिल्कुल, यानी कि 23 जून को एक बार फिर से दोबारा परीक्षा देनी होगी और उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई फैसला सुनाएगा। 8 जुलाई को एक बार फिर से जवाब देने के लिए एकजुट होंगे। जी, और हम इसको ये जारी रखेंगे क्योंकि सिर्फ दो याचिका का सुप्रीम कोर्ट ने निस्सारण नहीं सुनवाई की है और वो दो याचिका थी कि इनमें जो गड़बड़ी की हुई है और पारदर्शिता नहीं थी। अब जो रद्द कराने वाली जो याचिका है वह सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष नहीं आई है, जब वो न्यायालय के समक्ष आएगी तब अदालत उसकी अपने तरीके से व्याख्या करेगा। लेकिन आज की जो इस महत्वपूर्ण हियरिंग है, तीन चीज एकदम साफ हो गई है। पहला, काउंसलिंग जारी रहेगी। दूसरा, 1563 छात्रों को दोबारा एग्जाम देना होगा जिनको ग्रेस मार्क आए थे। तीसरा, 2 हफ्ते के भीतर सर्वोच्च न्यायालय में सिलसिलेवार तरीके से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को जवाब देना होगा किन परिस्थितियों में यह गड़बड़ी हुई और कौन कौन से ऐसे पैमाने थे जिनका उल्लंघन हुआ। ये तीन बड़ी बातें हैं आज के सुनवाई की, आज के अदालत के आदेश की। फाइनल ऑर्डर अभी लिखा जा रहा है। बिल्कुल, यानी कि तीसरा बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है कि नेशनल टेस्टिंग जो हुई है इसमें कहां गड़बड़ी पाई गई है, इस पर विशेष रूप से जांच किए जाने की बात कही जा रही है कि आखिरकार इतनी बड़ी संस्था में गड़बड़ी हुई कैसे, कहां पर एक बड़ी लापरवाही या यूं कहें कि गड़बड़ी हुई और इसके आधार पर अब जांच होनी है और 8 जुलाई को एक बार फिर से आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है।